इन अप्सराओं के कामों को कारनामों से बदल गया स्वर्ग और धरती का इतिहास। स्वर्गलोक की अप्सराएं इतनी सुंदर होती थीं कि किसी भी सिद्ध पुरुष का मन बस उन्हें एक बार देख लेने से ही डोल जाता था। वहीं इन्होंने अपने कामों कारनामों से स्वर्ग और धरती का इतिहास तक बदल दिया था। लेकिन सोचने वाली बात है, वो कौन सी अप्सराएं थी और ऐसा उन्होंने क्या किया था? मेनका। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेनका को स्वर्गलोक की अप्सराओं में सबसे सुंदर माना जाता है। मेनका सुंदरता के साथ कुशाग्र बुद्धि और सहज प्रतिभा की धनी थी। एक कथा की माने तो महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा ताकि वो विश्वामित्र को अपने रूप और यौवन से लुभा सके और उनका तप भंग हो जाए, जिसके बाद अपने सौंदर्य के जाल में मेनका ने सफलतापूर्वक विश्वामित्र को फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। मेनका के रूप को देखकर महर्षि विश्वामित्र मोहित हो गए और उन्हें अप्सरा मेनका से प्रेम हो गया। वहीं दूसरी ओर मेनका को भी असल में महर्षि विश्वामित्र से प्रेम हो गया, जिसके पश्चात दोनों शादी के बंधन में बंध गए। कुछ समय बाद दोनों ने एक पुत्री को जन्म दिया जो शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। शकुंतला ऋषि कण्व के आश्रम में पली बढ़ी और फिर उसका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ था। पुंजी कस्थला। तो सभी जानते हैं कि माता अंजनी से हनुमान जी ने जन्म लिया, वहीं उनकी माता थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी किसी समय इंद्र के दरबार में पुंजी कस्थला के नाम से एक अप्सरा हुआ करती थी। कथाओं की माने तो एक बार अप्सरा पुंजी कस्थला ने तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी थी, जिसके बाद क्रोध में आग बबूला होकर ऋषि ने पुंजी कस्थला को श्राप दे दिया कि वो वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जाए। जैसे ही पुंजी कस्थला को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो ऋषि से माफी मांगने लगी। तभी ऋषि को अप्सरा पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि अप्सरा का वानरी रूप भी बहुत तेजस्वी होगा। अप्सरा से वानरी रूप में से एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से उसका नाम युगो युगों तक अमर कर देगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस श्राप के बाद पुंजी कस्थला धरती पर चली गई और वहां एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। कहा जाता है कि तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वंदय महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजी कस्थला को एक पुत्र मिला जिसका नाम अंजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंग बली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। उर्वशी। अप्सरा उर्वशी का सौंदर्य बड़ा ही मनमोहक था। पौराणिक कथा की माने तो एक बार नारद मुनि राज पुरुर्वा के रूप बुद्धि और युद्ध कौशल की प्रशंसा देवराज इंद्र के सामने कर रहे थे। तभी उर्वशी प्रशंसा सुनकर उन्हें देखने आतुर हो गई। वो बिना कुछ सोचे समझे स्वर्ग से धरती पर आ गई। बता दे, उर्वशी पुरुर्वा को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। इतना ही नहीं, राजा भी उर्वशी के अपार सौंदर्य में खो गए और उन्होंने उर्वशी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उर्वशी को विवाह का प्रस्ताव तो मंजूर था, लेकिन उन्होंने राजा के सामने दो शर्तें रखी। वही बिना कुछ सोचे समझे ही राजा सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए। शर्त थी कि राजा को उसके दो भेड़ों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उर्वशी उन्हें पुत्रवत समझती थी। राजा हंसते हुए शर्त के लिए राजी हो गए। वहीं उर्वशी की दूसरी शर्त यह थी कि सहवास के समय के अलावा एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखने पर वो वापस स्वर्ग चली जाएंगी। राजा इस शर्त के लिए भी मान गए। रंभा। रंभा के रूप पर कई लोग मोहित थे, हर कोई उससे शादी करना चाहता था। रामायण की माने तो उसमें रंभा को लेकर कहा गया है कि वो कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी थी। रामायण में बताया गया है कि रावण ने रंभा के साथ जबरन रिश्ता बनाने की कोशिश की थी, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था कि आज के बाद जब भी तुम किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश करोगे, तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। कहा जाता है कि इसी श्राप के डर से लंकापति रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। वहीं महाभारत में इसे तुरुम्ब नाम के गंधर्व की भी पत्नी बताया गया है। धृताची।
कहते हैं कि एक बार भारद्वाज ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने धृताची को भेजा था। भारद्वाज गंगा स्नान कर अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे, तभी उनकी नजर धृताची पर पड़ी जो नदी से स्नान कर बाहर निकल रही थी। भीगे कपड़ों में उसके तन और अंगों को देखकर भारद्वाज मुनि वहीं रुक गए। फिर क्या होना था, उन्होंने वहीं अपने नेत्रों को बंद कर खुद पर नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वो असफल रहे। आंखें खोलकर वो उसके रूप और सौंदर्य को निहारने लगे। कामुकता से पीड़ित भारद्वाज का देखते ही देखते वीर्यपात हो गया था। तभी वीर्य को उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। वहीं पौराणिक कथा की माने तो धृताची कश्यप ऋषि और प्राधाता की पुत्री थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार धृताची ने कई पुरुषों के साथ रिश्ता बनाया था। कहते हैं कि विश्वकर्मा से धृताची के पुत्र हुए थे, रुद्राशव से धृताची को 10 पुत्र और 10 पुत्रियां हुई थी, कन्नौज के नरेश कुशनाभ ने इसके गर्भ से 100 कन्याएं उत्पन्न की थी। महर्षि चव्यन के पुत्र प्रमिति ने धृताची के गर्भ से रूरु नामक पुत्र उत्पन्न किया था। धृताची की खूबसूरत काया को निहारने मात्र से देवव्यास ऋषि कामाशक्त हो गए थे, जिसके चलते शुकदेव हुए। तो आपने देखा कि किन अप्सराओं ने स्वर्ग और धरती का इतिहास बदल दिया था। इससे जुड़े अगर आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं।